सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे के 15 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और वह खबर यह है कि रेलवे कर्मचारियों को 18 महीने के ओवर टाइम अलाउंस का जो एरियर है उसका भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 20 मार्च 2018 को रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था और इसमें रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब रेलवे कर्मचारियों का जो ओवर टाइम अलाउंस है उसको नई रेट से दिया जाएगा 1 जनवरी 2016 से। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउंस है उसको 1 जुलाई 2017 से दिया जाएगा और इसके लिए आदेश जारी हुआ था 28 नवंबर 2017 को। अब रेलवे बोर्ड ने उस आदेश में संशोधन करते हुए यह बोला है कि जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो ओवर टाइम अलाउंस है उसकी जो डेट है वो प्रभावी रहेगी 1 जनवरी 2016 से। तो यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जुलाई 2017 लगभग जो 18 महीने का जो बड़ा हुआ ओवर टाइम अलाउंस है उसके एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये रेलवे कर्मचारियों के लिए बात है क्योंकि इसमें जो इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि रेलवे कर्मचारियों की जो बेसिक चल रही थी वो 1 जनवरी 2016 से रिवाइज हो गई थी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार और बाकी जो अलाउंसेस थे उनको बढ़ाया गया था 1 जुलाई 2017 से। तो इसमें अब रेलवे कर्मचारियों को जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता जो बनता है उसको बेस मानते हुए उस पर अब ओवर टाइम अलाउंस की कैलकुलेशन की जाएगी और उसके अनुसार ही रेलवे कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। बाकी जो HRA हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसकी यानी उनको माना जाएगा 1 जुलाई 2017 से प्रभावी और उसके अनुसार ही फिर जो ओवर टाइम अलाउंस है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पर ये रेलवे कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि उनकी जो ओवर टाइम अलाउंस बनता है उसकी कैलकुलेशन के लिए 1 जनवरी 2016 की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को बेसिक यानी बेस माना जाएगा और उसी के आधार पर ओवर टाइम अलाउंस या OTA की कैलकुलेशन की जाएगी। तो जिसमें रेलवे कर्मचारियों को काफ़ी बड़ा फायदा होगा और उन्हें एक अच्छी अमाउंट एरियर के रूप में प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।